हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बी ट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस पे मैंने इस वीडियो सेशन में डिलीशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब तक मैंने इंट्रोडक्शन बी ट्री का ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके साथ साथ इंसर्शन और सर्च ऑपरेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल के इन सारे वीडियोज का एक व्यू ले सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, जिसपे आपको अगर डिलीशन आप यहाँ पे देख रहे हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए बी ट्री क्या होता है, बी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज तो इस वीडियो सेशन में भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके साथ साथ आपको ऑर्डर क्या होता है ट्री का, बी ट्री का, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जानने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल टेकटॉक्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ सारे वीडियो शेयर कीजिए, बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, बी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो एग्जांपल है वो बी ट्री का ऑर्डर 4 का एग्जांपल है। ऑर्डर 4 इसका मतलब है हर एक नोड में कम से कम 4 - 1, इसका मतलब 3 नंबर ऑफ कीज हो सकती है, और अगर 3 नंबर ऑफ कीज हो सकती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 4 हो सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं उसको ही हम ऑर्डर बोलते हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि सारे लीफ नोड जो होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। ये चीज हमें हमेशा इंसर्शन के टाइम याद रखनी है कि जब भी हम कोई नया नोड इंसर्ट करते हैं वो लीफ नोड पे ही इंसर्ट करते हैं, और उसी टाइम हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सारे लीफ नोड है वो एक ही लेवल पे होने चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी हमें नॉन लीफ नोड्स के बारे में बताता है, जो कि रूट नोड नहीं है। रूट नोड छोड़ के जो सारे नॉन लीफ नोड है उनके बारे में ये प्रॉपर्टी नंबर 2 मिनिमम नंबर ऑफ कीज एंड चिल्ड्रन कितने होने चाहिए वो बताता है। तो m ऑर्डर ट्री के लिए m/2 - 1 इतने नंबर ऑफ कीज होने चाहिए मिनिमम, और m/2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको अभी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वाला ट्री फिर से देखिए, जिसपे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वाला ट्री है जो ऑर्डर 4 है। तो हमें क्या करना है, अभी इस ट्री में अगर 4 ऑर्डर है तो उसपे मिनिमम कितने की हो सकते हैं, वो है 4/2 = 2 और -1। इसका मतलब है कि 4/2 जो है 2 और -1 = 1, सो मिनिमम 1 की इसमें हो सकती है, और अगर मिनिमम 1 की है तो मिनिमम 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी उसके होने चाहिए। अगला वाला प्रॉपर्टी जो है वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स के लिए। उसी अगर ये नॉन लीफ नोड है, अगर वो रूट नोड नहीं है, तो वो नॉन लीफ नोड में कितने नंबर ऑफ कीज मैक्सिमम और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अगर m ऑर्डर है तो m-1 नंबर ऑफ मैक्सिमम कीज उसमें हो सकते हैं, और m नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे ही उसका ऑर्डर निर्भर होता है, डिपेंड करता है। तो अगर m नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो उसका ऑर्डर m है, और उससे 1 कम नंबर ऑफ मैक्सिमम कीज उसमें हो सकती है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जब आपको कोई नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगर इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी है वो देख के ही आपको नंबर ऑफ कीज इंसर्ट करते जाना है। अगर आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज का लिमिट एक्सीड होता है तो आपको नया
नोड क्रिएट करना होता है वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे इंसर्शन के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अभी अगला वाला प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो कि वो है रूट नोड के बारे में। अगर हमारा रूट नोड है जो कि नॉन लीफ नोड है तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम दो चिल्ड्रन उसे होने चाहिए। दो चिल्ड्रन कब होते हैं? जबकि उसके साथ एटलीस्ट वन वैल्यू है, वन की वैल्यू है। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर हमें यही बताता है कि अगर ये हमारा रूट नोड है तो उसमें मस्ट हैव, उसमें होने ही चाहिए कितने, एटलीस्ट वन नंबर ऑफ की, और अगर वन नंबर ऑफ की है तो एटलीस्ट उसके दो चिल्ड्रन होते ही है। तो ये वाला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर जो है वो हमारे रूट नोड के बारे में है। प्रॉपर्टी नंबर फाइव हमें जो बोल रहा है वो ऑर्डर के बारे में बोल रहा है। ऑर्डर मतलब कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला ऑर्डर नहीं, तो असेंडिंग ऑर्डर जो जिसमें हम सारे की वैल्यूज अरेंज करने वाले हैं। तो ये जो सारे की वैल्यूज होते हैं हर एक नोड में, सेपरेट नोड में, वो हर एक नोड में असेंडिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी हम एट द टाइम ऑफ इंसर्शन यूज करने वाले हैं, जिसमें हमेशा लेफ्ट सब ट्री के वैल्यूज उसके रूट नोड से छोटी होती है और राइट सब ट्री की वैल्यू उसके रूट नोड से बड़ी होती है। तो इसे हम देखते हैं तो उसको वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा भी नोड लो, इस नोड में अभी दो वैल्यूज है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ये नोड आप देख लो जिसमें तीन वैल्यूज है, 71, 73, 75, जो भी है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको फिर से ये वाली प्रॉपर्टी इंसर्शन के टाइम याद रखनी है कि जो कोई वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो वो इंसर्ट होती है बट उसमें असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होनी चाहिए। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वो बोलता है अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ट्री के सारे ऑपरेशन के लिए है बिग ओ लॉग एन, जो कि सिमिलर है आपके बाइनरी सर्च ट्री से। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सिमिलर कैसे, तो ये इसका बेनिफिट है बी ट्री का कि बी ट्री जो है वो ह्यूज डेटा स्टोर करने के लिए ही बनाया गया है। अगर ह्यूज डेटा इसमें है फिर भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन ही है, जो कि इक्वल टाइम लेता है आपके बाइनरी सर्च ट्री से, इक्वल टाइम वो लेता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि डिलीट ऑपरेशन क्या होता है। डिलीशन इसका मतलब हम कोई भी नोड हमारे ट्री से डिलीट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो हमें हमेशा थ्री केसेस याद रखनी है। ये थ्री केसेस क्या होती है, कौन सी थ्री केसेस है, कौन कौन सी वो सिचुएशन होती है जहां पे हमें ये थ्री केसेस अप्लाई करनी होती है, तो ये मैं आपको अगले वाले पार्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिलीशन करने के बाद भी आपको प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि अगर आपकी ट्री वो वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, अगर वो प्रॉपर्टीज वायलेट करती है, तो आपका ट्री बी ट्री नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें डिलीशन के टाइम ही ये सारी प्रॉपर्टी चेक करनी है। डिलीशन होने के बाद हमें चेक करना है कि सारी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा ट्री प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा और उसे हम बी ट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिनेरियोज का एक जस्ट ट्री ड्रॉ किया है, ट्री मतलब कि हायरार्की ड्रॉ किया है, जिसपे मैं आपको ये याद रखने के लिए मैंने बनाया है कि कितने केसेस होते हैं। तो सबसे पहले तीन केसेस होते हैं मेनली। केस वन का कोई सब केस नहीं होता है, ये बहुत सिंपल केस है और इसका कोई सब केस नहीं है। केस टू के तीन सब केसेस है, केस टू ए, टू बी एंड टू सी। इसमें हमें क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ। और केस थ्री में सब टू केसेस होते हैं, केस थ्री ए एंड केस थ्री बी। इन शॉर्ट में भी आपे बता देती हूँ, केस वन में जो हमें डिलीट करना है वो लीफ नोड का एक की वैल्यू है, जो डिलीट करने से हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हैम्पर नहीं हो रही है, तो हम इजीली उसे डिलीट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये केस बहुत इजी है। केस टू जो है वो इंटरमीडिएट नोड का हमें की डिलीट करना है, उसमें तीन केसेस होते हैं।
वो क्या मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और यहाँ पे फिर से हम नॉन इंटरमीडिएट नोड हमें डिलीट करना है, उसके लिए फिर से हमें जिसमें हमें प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है यहाँ पे भी हम नॉन लीफ सॉरी लीफ नोड का हम डिलीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही इसलिए ये सिंपल है। पर यहाँ पे हम लीफ नोड का ही एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं पर उसमें प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए इसके ये दो सब केसेस है। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, केस वन में लीफ नोड का की वैल्यू पर कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होती है इसलिए ये सिंपल केस है और कोई सब केसेस नहीं है। यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड का डिलीट करना है की वैल्यू जिसमें प्रॉपर्टी वायलेट होती है, इसलिए हमें कुछ चीजें हैंडल करनी पड़ती है, ये तीन सब केसेस से। यहाँ पे फिर से लीफ नोड से डिलीट करना है पर प्रॉपर्टी वायलेट होती है, इसलिए हमें ये दो सब केसेस कंसिडर करनी है। तो अभी हम डिलीशन ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। डिलीशन ऑपरेशन में हमें सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्री बना हुआ चाहिए जिसका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। अभी ये ट्री मेरे पास बना हुआ है, इसका ऑर्डर है 6। अभी आप बोल सकते हो कि अगर ऑर्डर इसका 6 है तो मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड तो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, मैक्सिमम 4 है। तो आपको मैं जैसे जैसे आगे जाती जाऊंगी बताती जाऊंगी तभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर 6 मैंने कैसे कंसिडर किया है। तो चलो हम डिलीशन स्टार्ट करते हैं केस 1 से। तो केस 1 मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि की जो हमें डिलीट करनी है वो लीफ नोड का पार्ट है और वो कोई भी हैम्पर नहीं करती है प्रॉपर्टी। अगर हम उस की को डिलीट करते हैं तो डिलीट होने के बाद हमारा जो ऑल प्रॉपर्टीज होते हैं वो एज इट इज है, कोई हैम्पर नहीं हो रहा है, तो हमें वो सिंपली रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। तो अभी मैं ये एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मान लो कि वही ट्री है मेरे पास और मुझे 6 ये की डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि ये वाला ट्री ऑर्डर 6 का है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो डिलीट करने के बाद कितने नंबर ऑफ कीज यहाँ पे बाकी रहेंगे, वो है 2, 4 एंड 5। अगर 2 नंबर ऑफ कीज है तो ये मिनिमम कितने कीज होने चाहिए हर एक नोड में, वो कौन सी प्रॉपर्टी हमें बताता है, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें मैंने कहा था कि m डिवाइडेड बाय 2-1 नंबर ऑफ कीज मिनिमम होनी चाहिए। तो ऑर्डर क्या है हमारा 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 3-1 इज 2। सो यहाँ पे मिनिमम 2 नंबर ऑफ कीज यहाँ पे होती है तो ये कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर रहा है, तो हमें इजीली हम यहाँ पे 6 डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के बाद हमारा ट्री कुछ इस तरह से लगेगा, जो रिमेनिंग ट्री को कोई हम कहीं पे भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वो की मैंने डिलीट कर दिया और मेरा केस सॉल्व हो गया। अभी केस 2 हम देखते हैं, केस 2 का ए पार्ट। अभी केस 2 पूरा के पूरा हमें क्या बताता है कि जो की हमें डिलीट करनी है वो इंटरनल नोड का पार्ट है। तो केस 2 ए में कौन सी सिचुएशन आती है, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी मान लो कि मुझे 19 डिलीट करना है, अगर मैं 19 यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ तो यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे मैंने बोला था कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम कीज हर एक नोड में होने चाहिए, तो 2। तो 19 डिलीट करने के बाद हमारे पास एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे बचता है, की वैल्यू 23। तो ये तो सबसे पहला की वायलेट हो गया कि नंबर ऑफ मिनिमम कीज जो होते हैं वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये प्रॉपर्टी हमें मेंटेन करनी है। तो हम वो कैसे करेंगे, अगर हम 19 डिलीट कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट सब नोड और राइट सब नोड में हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट सब नोड में है 2 कीज, राइट सब नोड में है 3 कीज। तो हम इन दोनों में से एक सब नोड ऐसा चूज करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कीज हो। तो ये हमारा नोड हम चूज कर रहे हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कीज हो। नाउ अभी हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो इसमें से 19 जो हमें डिलीट करना है उसके नजदीक वाला वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे वो है 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 को उठाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ कीज है मिनिमम 2 वो भी वायलेट नहीं होगी, उसके साथ साथ जो हमारा
अगला वाला प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें बीएसटी का भी प्रॉपर्टी फॉलो करना है, जहां पे अगर हम यहाँ पे 20 रख रहे हैं तो उसके लेफ्ट के नोड सब नोड के सभी की वैल्यूज उससे छोटी होनी चाहिए और उसके राइट नोड के सभी की वैल्यूज उससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है, उसमें खुद के नोड में भी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रही है, जहां की 20 एंड 23 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये डिलीट करने के बाद, ये ऊपर ले जाने के बाद, इसमें भी दो नंबर ऑफ नोड्स, दो नंबर ऑफ की वैल्यूज इस नोड में अवेलेबल है, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ है। तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है अगर हम ये 20 यहां से उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो हमें वही करना है। तो ये हो गया आपका केस नंबर 2A, जिसमें मैंने राइट सब नोड से एक वैल्यू जो नजदीकी वैल्यू है वो उठा के उसी जगह पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं 21, 22 नहीं ले सकती। अगर मैं 21 यहाँ पे लेती हूँ या 22 यहाँ पे लेती हूँ तो उसके राइट चाइल्ड में 20 नहीं हो सकता, क्योंकि 21 या 22 से छोटा है। इसलिए हमें 19 की नजदीकी वैल्यू, जो कि फर्स्ट वैल्यू है अगर ये राइट चाइल्ड है, वो हमें सिलेक्ट करनी है और वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो डिलीट करने के बाद हमारा ट्री कैसे दिखेगा? तो ये दोनों नोड जो है वो अफेक्टेड नोड है, पर ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर है। इसके सब लेफ्ट सब नोड में जो वैल्यू है वो छोटे है, राइट सब नोड के वैल्यू बड़े है। तो अभी केस 2B देखते हैं, वो जस्ट अपोजिट है। अभी आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे 13 डिलीट करना है। वही मैं सोच रही हूँ कि इंटरमीडिएट नोड है, 13 मुझे डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे तो दो की वैल्यूज होती है, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत है या नहीं है? अगर दो की वैल्यू है तो हमारा प्रॉपर्टी 2 तो भी वायलेट नहीं हो रहा है, पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड कितने होने चाहिए? अगर हमारे दो की वैल्यूज है तो होने चाहिए 3। तो अगर हमारे 3 नंबर ऑफ चाइल्ड नोड होने चाहिए तो यहाँ पे तो है 4, तो फिर हमें अभी क्या करना है? तो ये प्रॉपर्टी हमें फॉलो करने के लिए हमें फिर से जो टेक्निक यूज किया था लास्ट स्लाइड में वही करना है, कि अगर मुझे 13 डिलीट करना है इस सिचुएशन में तो उसके लेफ्ट चाइल्ड में और राइट चाइल्ड में कितने नोड है मैं वो देखूंगी। उसके बाद जिस नोड में ज्यादा नंबर ऑफ कीज है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी, उसमें से 13 के एकदम नजदीक वाला जो की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे चूज करूंगी, जो कि इस सिचुएशन में 12 है। मैं 12 यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ क्या वो मैं देखूंगी, क्योंकि अगर मैं 12 डिलीट कर रही हूँ तो इसमें नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू कितने हैं? 2, और वो अलाउड है। तो मैं 12 यहाँ से उठाऊंगी, 13 को डिलीट करके मैं 12 को यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि 12 को यहाँ पे रखने के बाद उसके लेफ्ट सब लिस्ट में, लेफ्ट सब नोड में जो नोड जो की वैल्यू है वो छोटे है और राइट सब नोड में की वैल्यूज वो जो है वो बड़े है। तो हो गया मेरा केस 2B भी सॉल्व हो गया, जहां पे मैं 12 को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूंगी और 13 को डिलीट कर लूंगी। तो वो करने के बाद मेरे ये दो नोड अफेक्ट हो रहे हैं और सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो ये हो गया मेरा केस 2B। अभी केस 2C हम देखते हैं, जिसमें फिर से हम इंटरनल इंटरमीडिएट नोड में से वैल्यू डिलीट करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि अगर फर्स्ट वैल्यू डिलीट करनी है तो क्या होता है, लास्ट वैल्यू डिलीट करनी होती है तो क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू अगर हमें डिलीट करनी है की वैल्यू तो हमें क्या करना है। अगर फिर से मुझे इंटरमीडिएट वैल्यू ये डिलीट करनी है उसके बाद, तो डिलीट करने के बाद तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो केस 2A और 2B था, जिसमें मैंने नीचे से वैल्यू ली थी और ऊपर प्रेस की थी, तो हम वो कर सकते हैं क्या? अगर वो मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 7 से के लेफ्ट सब लीस्ट सब नोड में कितने वैल्यूज है, राइट सब नोड में कितने वैल्यूज है वो देखना पड़ेगा। अभी इस एग्जाम्पल में दोनों में दो दो नोड्स है, दो दो कीज है, तो अगर मैं इसमें से एक उठा के ऊपर ले जाती हूँ तो ये तो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ कीज का प्रॉपर्टी वायलेट कर लेगा, क्योंकि सिंगल ही वैल्यू बचेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है? अगर ये मैं डिलीट करती हूँ तो यहाँ पे दो ही वैल्यू बचती है, अगर दो वैल्यू है तो उसके मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ
चाइल्ड नोड होने चाहिए, तो हाँ हम यही पे यही करने वाले हैं। सात अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ तो मुझे 4, 5, 10, 11 मर्ज करके एक ही नोड बनाना है जो कि 3 से बड़े होंगे और 12 से छोटे होंगे। तो ये करने के बाद, ये मर्जिंग करने के बाद, ये जो है हमारा पेरेंट नोड जिसमें दो की वैल्यूज आर ओके, मिनिमम दो हमें चलते हैं, और अगर दो है तो उसके चाइल्ड नोड 3 होने चाहिए। तो ये डिलीट करने के बाद मेरा ट्री कैसे दिखेगा, तो मेरा ट्री ऐसे दिखेगा और यहाँ पे वो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ है। तो ये तो 1, 2 एज इट इज है, 14, 15 पे एज इट इज है। 7 डिलीट करने के बाद ये जो दो नोड अलग थे वो मैंने मर्ज करके एक ही नोड बना लिया। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज ये भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मर्जिंग करने के बाद 4 नंबर ऑफ कीज हो रहे हैं, जहां तक कि मेरे ऑर्डर 6 में 5 नंबर ऑफ कीज अलाउड है। तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर वाला भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हो सारे प्रॉपर्टीज के फॉलो हो रहे हैं। तो ये हो गया मेरा केस 2C। अभी हम केस 3 को जाते हैं। केस 3 पे मैंने फिर से विच इज नॉट प्रेजेंट इन इंटरनल नोड, उसका मतलब है कि लीफ नोड से हमें डिलीट करना है। तो अभी फर्स्ट केस, आपको थर्ड के 3A में जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो अगर मुझे 4 डिलीट यहाँ पे करना है, 4 डिलीट करने के बाद क्या होने वाला है, अगर मैं 4 डिलीट करती हूँ तो मेरा जो ये वाला नोड है जिसमें यहाँ पे 3 की वैल्यूज बचेंगे, 3 की वैल्यूज बचने के बाद आपको क्या देखना है यहाँ पे कि जो 3 की वैल्यूज बचते हैं, तो अगर मैं आपको फिर से पिछले वाली स्लाइड में लेके जाती हूँ, अगर मैं ये सारे नोड्स भी मर्ज कर लेती हूँ, 16 के लेफ्ट सब नोड को और राइट सब नोड को 16 के साथ अगर मैं इसके साथ मर्ज कर लेती हूँ, तो मेरा ट्री का हाइट भी लेस हो जाएगा और वो जो नोड मैं डिलीट कर रही हूँ उससे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। तो हर एक बार हमें ये भी चेक करना है, अगर उसका वो नोड डिलीट करने के बाद अगर हम उसका हाइट भी रिड्यूस कर सकते हैं तो वो भी हमें करना है, क्योंकि ये जो ट्री होता है बी ट्री, वो फैट ट्री होता है जिसका हाइट बहुत कम हमें रखना है, क्योंकि अगर हाइट कम है तो ही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, क्योंकि ह्यूज डेटा हमें लेस टाइम में एक्सेस करना है, इसलिए उसका हाइट हमें कम रखना है। तो ये हो गया हमारा केस 3A। तो अगर लीफ नोड से हमें वैल्यू डिलीट करनी है तो हमें उसके साथ साथ ये चेक करना है कि हम हाइट उसकी कुछ कम कर सकते हैं क्या, अगर हम कर सकते हैं तो हमें वो हाइट रिड्यूस करना है। और केस 3B में हमें क्या करना है, केस 3B में अभी आपको मैंने फिर से बताया है कि जो हम की वैल्यू डिलीट करने वाले हैं वो है लीफ नोड से, नॉन इंटरनल नोड से। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जहां पे मैं 2 डिलीट करने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हो अगर मुझे 2 डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंगल की वैल्यू रिमेनिंग रहेगी जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ 2 कीज यहाँ पे होनी एक्सपेक्टेड है। तो अगर मुझे 2 डिलीट करना है तो उसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन है कि मुझे यहाँ से 3 यहाँ से हटा के यहाँ पे रखना होगा। पर अगर मैं यहाँ पे 3 रख रही हूँ और ये नोड यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, तो ये नंबर ऑफ अगर कीज कम होती है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी उसके कम होने चाहिए, तो वो हमें नहीं करना है। हमें क्या देखना है कि उसके राइट चाइल्ड में, 3 के राइट चाइल्ड में कितने की वैल्यूज अवेलेबल है, यहाँ पे 3 अवेलेबल है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, 3 के पास वाला जो की वैल्यू है हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख लेंगे, 3 को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख लेंगे और 2 को हम डिलीट कर देंगे। मैं रिपीट करती हूँ फिर से, हमें इस केस में क्या करना है, अगर मैं 2 डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि नंबर ऑफ की वैल्यूज कितने हैं। ये केस 1 है या केस 3 का बी है, अगर 1 होता तो कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होती आती, हम ऐसे ही डिलीट कर देते, पर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मिनिमम कीज का वायलेट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 हटाने से पहले हमें सोचना होगा कि हम प्रॉपर्टी मेंटेन कैसे करेंगे।
तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी मेंटेन करना है तो हम उसके पेरेंट नोड में जाएंगे. पेरेंट नोड में कितने वैल्यूज है मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 वैल्यूज होने चाहिए, तो वो 5 वैल्यूज है, तो उसमें से मैं एक वैल्यू तो ले सकती हूँ. तो उसके पास वाली वैल्यू मैं यहाँ पे यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लूंगी. पर अगर मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, अगर मेरे 5 नोड है तो उसके 6 चाइल्ड नोड्स है. अगर 6 चाइल्ड नोड है और यहाँ से मैं हटा रही हूँ, तो एक चाइल्ड नोड को हटाना पड़ेगा. अगर मैं वो हटा देती हूँ तो वो हम वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इसके लिए हमें क्या सोचना है. अगर मैं 3 यहाँ से हटा रही हूँ तो 3 को कोई तो भी रिप्लेस करना चाहिए. तो उसके राइट चाइल्ड में से मैं ऐसा वैल्यू चूज करूंगी जो 3 को रिप्लेस कर सकता है. तो मैं चूज करूंगी 5 क्योंकि वो 3 के पास में है. अगर मैं 5 यहाँ पे रखती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 के लेफ्ट चाइल्ड में 1 और 3 रहेंगे जो कि 5 से छोटे हैं, और उसके राइट सब नोड में 10 और 11 रहेंगे वो जो कि 5 से बड़े हैं. और दोनों नोड में मिनिमम 2 वैल्यू है जो कि उसकी मिनिमम की प्रॉपर्टी लीस्ट वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं. तो इस तरह से आप केस 2 भी सॉल्व करके ये ऐसे दिखेगा, 3 नीचे आ जाता है, 5 यहाँ से ऊपर आ जाता है और 2 डिलीट हो गया है. तो इस तरह से आप ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिचुएशन को देख के आपको चूज करना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा केस अप्लाई करना है, और उस केस के हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर आइटम वो पर्टिकुलर की वैल्यू आपको डिलीट करनी है. तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा सुना, और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट दीजिए, मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए. मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अगले वाले वीडियो का शॉर्टकट लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, और इसी वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल टेक टॉक्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.